डमरू वाला, मिर्गा छाला वाला, जटा वाला, नाग वाला, बसहा वाला, शिवलिंग वाला, जैसा महादेव आपके दिल में, उनके पांव का ध्यान और बैठे, सांसों पर नमः आया, शिवाय गया, उसके साथ अपने मन को भेजिए, कहां महादेव के चरण में कि प्रणाम करो। इसीलिए वहां जो एक माला करने को कहा जाता है, 108 उठाने का माला, उस माले को कहा गया है कि इसको गिनती नहीं करना है, गिनती किया हुआ है, और जब माला से महादेव को प्रणाम करना है तो सांसों की गिनती नहीं करनी, क्योंकि गाने की गिनती हो रही है, वो गिन के लगाया हुआ है, सांसों में वो महादेव को प्रणाम करने का भाव दीजिए, जाइए अपने मन को भेजिए उनके चरण में कि प्रणाम ले लीजिए, स्वीकार करिए महादेव, जब वो प्रणाम जाएगा लेंगे करें कर लोगे, उसके बाद फिर अपने मन को वापस करिए, उसके बीच में 3-4 बार सांस आएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सांसों की गिनती नहीं हो रही है, माले के दाने की गिनती हो रही है, और तब फिर नमः लिया जाए और शिवाय छोड़ा जाए। इसके लिए नहा खींच के बैठ के करने की जरूरत नहीं है, महादेव से शिष्य का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, दिखावा नहीं है, ये तामुलम तुंगी फलम दक्षिणा दर्भेम चमर।